पाँच साल से हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, केंद्र की सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। और तो होने महिला आंगनवाड़ी वर्कर तो घोटाला नहीं करती है ना, उनको तो मानदेय भी नहीं मिलता, पाँच साल में 1500 बढ़ाया है, तो बहुत बुरा हाल है। हमारी ड्यूटी है जो प्रेग्नेंट लेडी है, 0 से 6 साल तक का बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी से हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उसको पौष्टिक आहार देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप अपना टीकाकरण करो, आपके पेट में बच्चा है इसका ख्याल रखो, कम से कम मिनिमम वेज दो, जो 28,000 रुपया वर्कर 25,000 रुपया हेल्पर का बनता है वो दो, बात ही करती है। मणिपुर में अब क्या हुआ है तो वो नहीं दे पा रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम फिर से मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आए दिन कोई ना कोई नया धरना प्रदर्शन चलते रहता है। आज फिर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि है आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए। इनकी कुछ अपनी मांगे हैं जो जिसमें सभी महिलाएं जो हैं उपस्थित हुई हैं। इनसे साफ तौर पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखो, मैं आंगनबाड़ी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हरगोविंद कौर मेरा नाम है। हम पूरे नॉर्थ इंडिया से जहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमारी मांग है कि 5 साल से आंगनबाड़ी वर्कर जो 28 लाख औरतें हम काम कर रही हैं, बिल्कुल नॉमिनल मानदेय पे हम काम कर रहे हैं, सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। 5 साल से हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। नई एजुकेशन नीति आई है 2020, उसमें बोला गया कि आंगनबाड़ी वर्कर को प्री नर्सरी टीचर का दर्जा दो, वो नहीं हमें दिया जा रहा है। हम कहते हैं कि वो नहीं देना तो कम से कम मिनिमम वेज दो, जो 28,000 रुपया वर्कर 25,000 रुपया हेल्पर का बनता है वो दो, हमारी मिनी वर्कर है जिनके पास हेल्पर नहीं है उनको फुल का दर्जा दो, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग होनी चाहिए वो बनवा कर दो। इन मांगों को लेकर हम लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में औरतें यहाँ पे शामिल हुई। आपने कोई आवेदन या कोई शिकायत दी है सरकार? बिल्कुल, हमने मंत्रालय में हम लोग लगातार पहले से अपने आवेदन ब्लॉक से जिला स्तर से भेजते रहते हैं। आज फिर हमने हमारा आवेदन जो हमारा डिमांड चार्टर है 14 सूत्री मांग पत्र हमने सरकार को दिया है। कहा जाता है कि सरकार जो है आंगनबाड़ी को लेकर बहुत खर्च करती है और आंगनबाड़ी में जो है घोटाले भी बहुत हाई लेवल तक होते हैं। देखो, आंगनवाड़ी के ऊपर सरकार क्या खर्च करती है ये तो सरकार जानती है। आंगनवाड़ी में घोटाला कौन करता है? ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर तो घोटाला नहीं करती है ना, उनको तो मानदेय भी नहीं मिलता जो सरकार ने हाथ से देना होता है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर तो मानदेय मिलता है, आंगनवाड़ी वर्कर को मिलता है राशन जो लोगों को देना है। राशन खरीदता कौन है? ADC खरीदते हैं, DC खरीदते हैं, DPO खरीदते हैं, घोटाला करते हैं ऑफिसर लोग, और बदनाम किसको करते हैं? आंगनवाड़ी को। तो इसका भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, वो भी सरकार की कमजोरी है ना, वो देख नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आमतौर पर जो है आंगनबाड़ी की महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं पढ़ने वो बेहद छोटे होते हैं और बिल्कुल माँ की तरह उन्हें संभाला जाता है, खिलाना पिलाना हाथ से किया जाता है। आंगनबाड़ी में बच्चा जो पढ़ने के लिए आता है वो तो 3 साल से ऊपर होता है, हम तो जो बच्चा माँ के पेट में है उसको भी देखते हैं। हाँ, हमारी ड्यूटी है जो प्रेग्नेंट लेडी है 0 से 6 साल तक का बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी से हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उसको पौष्टिक आहार देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप अपना टीकाकरण करो, आपके पेट में बच्चा है इसका ख्याल रखो, बच्चा पेट से बाहर आता है तो फिर हमारे पास वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको नर्सिंग मदर बोलते हैं, उसको फिर हम लोग गाइड करते हैं कि बच्चे का टीकाकरण करवाओ, इसको खाना प्रॉपर दो, आप अपना खाना प्रॉपर लो, 6 साल से ऊपर 6 माह के ऊपर बच्चे को खाना खिलाओ, तो बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास ये आंगनवाड़ी के थ्रू होता है। तो 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में रहता है, अच्छा नागरिक वो तभी बनेगा जब उसका अच्छा विकास होगा। ये काम हम लोग करते हैं, हम जो होता है वो आप घर घर जाकर टीकाकरण करते हैं बच्चों? नहीं, हम टीकाकरण करते नहीं है, करवाते हैं। करवाते हैं, रेफरल सेवाएँ हम देते हैं, बच्चा ज़्यादा बीमार है तो उसको स्लिप देते हैं कि इसको फलां हॉस्पिटल में लेकर जाओ। टीकाकरण करती है NM, हम लोग उसको गाइड करते हैं कि आप बच्चे का टीकाकरण करवाओ। लेकिन इतनी सारी चीज़ों करने के बाद भी सरकार का आप पर कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल अनगौले हैं हम लोग, 10 साल से इन्होंने करके रखा है, 37 साल पहले वालों ने भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले वालों ने बहुत कुछ किया था। ठीक है, वो 3,000 देते थे, इन्होंने 5 साल में 1500 बढ़ाया है, तो बहुत बुरा हाल है सरकार का, केंद्र की सरकार का, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है।
वो ध्यान क्यों नहीं देती सरकार आपकी तरफ? मैं तो ये समझती हूँ कि हम लोग, इनको ये लगता है कि जहाँ पर अगर आदमी भी होते तो मेरे ख्याल में वो कुछ ना कुछ कर जाते, ये हमारा शोषण कर रहे हैं और तो होने महिला जानकर शोषण कर, हाँ महिला जानकर शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चे, अपने घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो हम लोग उतना लड़ नहीं पा रहे हैं जितना इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान देने की बात करती है सरकार, दे नहीं पा रही है ना, बात ही करती है मणिपुर में अब क्या हुआ है, तो वो नहीं दे पा रही है। ठीक, तो साफ तौर पर आपने जाना कैसे, क्या कुछ इन्होंने बताया, महिलाओं को सम्मान जो है सरकार दे नहीं पा रही है। आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, वो जो वर्कर्स हैं, वो पूरे दिन मेहनत करती हैं, बच्चे के जन्म से पहले से लेकर 6 साल तक उनके ख्याल रखने का काम इन्हीं को सौंपा जाता है, इन्हीं के थ्रू रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रक्रियाएँ होती है, बीमार होना, टीकाकरण की जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, सारा इन्हीं को देखभाल करना होता है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।